मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि जब जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है एमएस धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है ना, उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप वन ऑन वन भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समाओ, मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। हम सब ने मतलब, मुझे याद है मैं पहली बार चैम्पियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आस पास आते हैं, कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या जानी चाहिए। तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियां आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें।